सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो जगबाणी टीवी ते मैं हरविंदर पाल। असी हर रोज़ दुकानों तो खरीदारी करते हाँ तो बहुत सारिया चीज़ा पैकेट के बंद होंदिया ने ते कंपनी वालों भार के मुताबिक चीज़ों वेचण का दावा किया जाता है, लेकिन कई बार इन चीज़ों के भार भी घट हों ते कई बार जो गिनती इन कंपनियों वालों दर्शाई जाती है पैकेट के उपर उस दे मुताबिक पैकेट के उस गिनती मुताबिक चीज़ भी नहीं निकलती। अजिहा एक मामला वापरिया है चेन्नई के एक आदमी के नाल जदों उसने 2021 दे विच मनाली विखे अपने टूर दौरान एक बिस्किट का पैकेट खरीदया तो उस बिस्किट के पैकेट उपर बिस्कुटां की गिनती 16 लिखी हुई सी। जो उसने बिस्किट का पैकेट खोलिया तो गिनन ते पता लग्या कि बिस्किट के पैकेट के सिर्फ 15 बिस्किट ही सन। तो इस तो बाद ग्राहक ने खपतकार फोरम के इसकी शिकायत की ते कंपनी खिलाफ मुकदमा दायर किया। कंपनी वालों ये तर्क दिता गया है कि कानून के मुताबिक 4.5 ग्राम भार घट की उसनों छोट मिल सकती है, लेकिन फोरम वालों इस दलील नूं दरकिनार कर दिता गया। तो फोरम का एक कहना सी कि जो स्थिर चीज़ा हुंदियां ने जो जिन्हां दा भार इधर उधर हो सकता है उस दे ये छोट लागू हुंदी है, जबकि बिस्कुट की गिनती ही घट निकली है। तो इस दे बदले हुण कंपनी नूं फोरम वालों 1 लाख रुपए का जो जुर्माना वह किया गया है, लेकिन जे ग्राहक की मनीए तो उस वालों 10 करोड़ रुपए का जो मुआवजा सी वह कंपनी तो मंगया गया सी, लेकिन फोरम वालों 1 लाख रुपए का जो है मुआवजा जो ग्राहक नूं देण दा ऐलान किया है जो फैसला किया है वह हुण कंपनी नूं 1 लाख रुपया ग्राहक नूं अदा करना होगा। तो इस तरह रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच ग्राहक का यह तर्क सी कि कंपनी वालों 29 लाख रुपए की जो ठगी है वह ग्राहकों के नाल की जाती है। तो हुण नाल ही फोरम ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिस बिस्कुट के पैकेट के एक बिस्कुट कट निकलिया है उस बिस्कुट के जो बैच के बिस्कुट के पैकेट तैयार किए गए हैं कंपनी वालों वो सारे बैच के बिस्कुट के पैकेट हुण कंपनी वेच नहीं सकेगी, उसकी बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है।